नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जसोदा की रसोई ब्लॉग में। तो बने रहे वीडियो में, आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ। तो इतने मैंने चना ले लिए, तो ये चना गला दिए थे, रात को गला दे तो अभी गल गए अच्छे से। तो मैंने इनको अब धो लेती हूँ, दो पानी में इनको धो लूँगी। इधर मैंने फली दाने ले लिए छोटी चम्मच से, दो चम्मच तीन चम्मच तो ये ले लिए फली दाने। इधर मैंने लहसुन प्याज ले ली और लाल हरी मिर्ची पक गई वो वाली ले ली, एक इंच अदरक का टुकड़ा और एक कली, एक गटा लहसुन का, तो 10-15 कली है इनमें छोटी छोटी, तो ये ले ली मैंने। तो इनको अच्छे से काट लेती हूँ इस तरीके से, ऐसे छोटे छोटे पीस में ऐसे काट लूँगी। मिक्सर जार में पीस लेंगे सारी। तो थोड़े से बीजा है तो ये फली दाने तो ये भी डालेंगे। अब इसमें पीस लेते हैं, मिक्सर है तो इधर मैं इसमें पीस लूँगी। दोस्तों लहसुन प्याज अदरक मैंने पीस लिया है और फली दाने इसमें ये पूरा मसाला पीस लिया मैंने, इसको रख लूँगी एक साइड में। अब इधर ये चना हुआ धो गलाए थे तो इनको लाऊंगी कुकर में। तो मैंने और पहले दो पानी से इनको धो लिए थे, गैस को कर दिया चालू मैंने एक मिनट पर। अब इसी में डालूंगी पानी, देखिए तो बनने के हिसाब से मैंने पानी डाल दिया। मैंने गैस चालू कर दिया और उबल रहे हैं तो अब मैं ढक्कन लगा देती हूँ। तो मैंने चना उबाल लिया अच्छे से, ये देख सकते हैं, ये देखिए तो चना उबल गया है। और इसी में साथ में मैंने आलू भी उबाल लिए, तो आलू उबाले थे तो आलू जी रखे तो ठंडे हो जाए, मैं इनका छिलका निकाल लूँगी। देखिए तो इस तरीके से मैं इसको छील लूँगी। दी कढ़ैया, कढ़ैया गर्म हो रही है तो अब डालूंगी तेल, इसी में डाल दिया मैंने तेल। मैं तो तेल गर्म हो रहा है तो डाल देती हूँ, देखिए तो ये मैंने डाल दिया। तब इस कुकर को एक साइड करते मसाला सेकेंगे। इधर ले ली मैंने हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया, तो तीन मसाले इधर से निकाल लिए मैंने, ये देखिए। इधर जो मसाला पीस के रखा था पेस्ट बना के, तो इसको डालते हैं, तो इसी को डाल देंगे अब इसी में। ये भुंज गया अच्छे से, जीरा चटक गया मसाला पूरा। अब ये डाल देते हैं प्याज लहसुन कूटे थे। इसी को अच्छे से डाल देंगे और चलाते रहेंगे, बहुत अच्छे से भुन जाए। सूखा मसाला इसी में पानी डालेंगे तो इसका घोल बना के फिर डालेंगे। तो इसको भी डाल देंगे अब साथ में, लहसुन प्याज में थोड़ा सा भुन गया तो ये भी भुन जाएगा साथ में पूरा मसाला, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इधर मसाला सिक रहा है हमारा बहुत अच्छे से, कम गैस पे बीच बीच में चली अच्छे से भुन जाए। फिर इसको कम गैस पे भूनना है और बार बार चलाते रहना है। तो इसी को चलो ढाक देते हैं, ढाक ढाक के बीच बीच में चलाते रहेंगे। इधर चना भी ठंडे हो गए, उबल गए। तो मसाला भून गया अच्छे से, अब डालूंगी चना। तो जो चना है ये डाल रही हूँ मैं, ये देखिए, तो इनको डाल देती हूँ, कटाऊंगी इसे अच्छे से मिलाऊंगी। तो अब साथ ही में जो दो आलू उबाले थे तो इनको भी बड़े बड़े टुकड़े में करे हैं मैंने, तो ये डाल दिए। तो इस तरीके से अच्छे से उनको मिला दूंगी और जगत के हिसाब से जितना उनको लगे उतना पानी डाल दूंगी। इसी में मसाला पीसा था तो वही पानी मैंने डाल दिया, ये देख। तो अच्छे से इसको चलाना है, तो पानी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम ज़्यादा। थोड़ी नमक डाल देती हूँ मैं, तो नमक मैंने डाल दिया और तो अच्छे से इसको दो उबाल आने देती हूँ, उबाल आने तक इसको ढाकती हूँ बीच बीच में, ये देखिए।
तो ये सब्जी हो गई, मैं इसको उठा के इधर रख दूंगी। ये देखिए तो दोस्तों, ये सब्जी छोले की आलू छोला। तो दोस्तों मैंने इसमें टमाटर नहीं डाले क्योंकि टमाटर गर्मियों में टमाटर ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे, तो ज़्यादा टाइम तक सब्जी नहीं चलेगी। अब ये देख सकते हैं आप, आलू छोले की सब्जी और प्याज सलाद और इधर चावल, इधर बाफले, तो ये मैंने बनाए तैयार है। और दोस्तों बाफले मैंने पहले बना लिए थे, तो मैं ज़रूर बना के बताऊंगी आपको, ज़रूर टेस्ट भी बताऊंगी। तो मैं दोस्तों टमाटर नहीं डाले मैंने, टमाटर मेरे पास 4-5 दिन के रखे थे, तो गर्मियों में टमाटर 1-2 दिन में जल्दी से उतर जाते हैं तो अच्छे नहीं रहते हैं, फिर सब्जी में डालते तो सब्जी शाम तक नहीं टिकती, इसलिए मैंने गर्मी की वजह से टमाटर नहीं डाले। तो ऐसे फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।